धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकारों ने क्या बहुत ही सुनियोजित ढंग से, जी हां, क्या बहुत ही सुनियोजित ढंग से पहले अपने प्रोग्राम में स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ तथाकथित साधुओं से हमला करवाया और फिर उन तथाकथित साधुओं को अपने कैमरों के सामने बैठा कर जहर उगलवाया है। यही नहीं, अब पूरे मामले को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला साधुओं ने नहीं किया है बल्कि साधुओं के ऊपर हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। लेकिन हम भोपू मीडिया की इस पूरी साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं बोलती तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी के तौर पर। सबसे पहले आपको हमले की तस्वीरों से रूबरू करा देते हैं। देख लिया आपने हमले की तस्वीरों को। यह तस्वीरें कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उस समय सामने आई जब स्वामी प्रसाद मौर्य एबीपी न्यूज के प्रोग्राम शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे और वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। मैं अपने एडिटर से एक बार फिर कहूंगा कि उन तस्वीरों को स्क्रीन पर लगाना शुरू कर दें। इस वीडियोज में, इस तस्वीरों में, या ये जो तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी दिखाई दे रहे हैं, साधु भी दिखाई दे रहे हैं। जब इतना बड़ा हंगामा हो गया तो क्या होना चाहिए था कि भोपू मीडिया को पुलिस बुलानी चाहिए थी और खुद एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन भोपू मीडिया तो जानता है कि कुछ ऐसा विवाद हो जाए जिससे हीट हो जाए कि साहब एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में हंगामा बच गया, आज तक के जी न्यूज के प्रोग्राम में हंगामा बच गया, ये तो इसी तरह की टीआरपी के दम पर गंध फैलाकर जिंदा है। अब इसके बाद इन्होंने इन तथाकथित साधुओं से किस तरीके का जहर गलवाया कैमरे के सामने बैठा के, वो भी देख लीजिए। क्या सनातन का मतलब लोग ये समझते हैं कि कायर, जिस तरह से 1990 का दौर देखा गया कि कश्मीर में लाखों बहन बेटियों की हिंसा की गई, लाखों बहन बेटियों का इसके साथ गैंगरेप किया गया, उनका कसूर केवल इतना था कि वो सनातन धर्म को मानने वाली हिंदू थी। क्या जो है तो हम सनातनी इस तरह की घटनाएं जो है बार बार होती रहे? क्या हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े होते रहे? क्या हमारे बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करके रोज उनकी हिंसा होती रहे और हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे? क्या ये सनातन लोग समझते हैं? विरोध नहीं किया इन साधुओं का, इनसे बैठा कर जहल उगलवा रहे हैं। ये साधु दावा कर रहा है कि 1990 में कश्मीर के अंदर जो कत्लेआम हुआ उसमें लाखों हिंदू मारे गए हैं, लाखों हिंदू बेटियों का गैंगरेप किया गया है। ये पत्रकार जो दो दो सामने बैठे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज में फिर रख रहा हूं जिसमें तीन साधु दिखाई दे रहे हैं, दो एंकर हैं और एंकराएं दिखाई दे रही हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहे उससे, ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आखिर किस आधार पर दावा कर रहे हो, क्या सरकारी कोई आंकड़ा है? आपने हाल फिलहाल में अभी राज्यसभा देखी होगी, वहां पर स्पीकर जगदीप धनखड़ ने जितने भी विपक्ष के सांसद बोलते थे अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की तो वो कहते थे ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेशन चाहिए, यानी उनके बयानों तक को रिकॉर्ड में से निकलवा दिया। लेकिन ये दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस साधु से जहर उगलवा रहे हैं। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, एक और ड्रामा देख लीजिए। राजू दास जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य धार्मिक ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, क्या वो अब इतना बौखला गए हैं कि आप पर हमले भी करवा रहे हैं? यही तो कष्ट है। देख लिया आपने, ये महिला एंकराइन कह रही है साधु राजू दास से कि साहब आपके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठीक उसी तरीके से हमला किया है जैसे वो धार्मिक ग्रंथ पे हमला कर रहे हैं, जैसे वो रामचरितमानस पे हमला कर रहे हैं। यानी कि पहले अपने प्रोग्राम में बुला के हंगामा करवाया, हमला करवाया, फिर उसके बाद उन्हीं साधुओं को मंच पर बैठा कर खूब चमकाया। ये भी नहीं कहा कि आपने हमारे प्रोग्राम में हंगामा कर दिया, हम आपको अब अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे या ऐसे लोगों का बायकॉट करेंगे, बल्कि अब उनके समर्थन में आकर दूसरे चैनल भी ये बोल रहे हैं कि आपके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला कर दिया। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि सच कुछ और है, सुन लीजिए। और कल एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में भी ऐसे ही चेहरे वहां शामिल थे जिन्होंने मेरा सिर तलवार से कलम करने का कसम खाया था, जिसने मेरा सिर कलम करने के लिए 21 लाख रुपए की सुपारी देने की बात की थी, ऐसे चेहरे भी वहां मौजूद थे। मैं यहां बैठ करके टीवी का कंटेंट देख रहा था और जो मुझे अवगत हुआ कि यहां इतने लोग बैठे हुए हैं फरसा और तलवार लेकर के आपके साथ बसलूकी करते कर सकते हैं, तो मैंने एबीपी के ऑर्गेनाइजर को कहा
कि अगर इनको बाहर नहीं निकाला गया तो मैं नहीं आऊंगा। और नतीजा बड़े जद्दोजहद के बाद और नरेंद्र की टीम के लोगों उनको बाहर निकाले, बगल एक कमरे में बैठाए और जब मैं अस्वस्थ हो गया तो यहां से गया। इस बाबत ट्विटर राजू दास महंत ने डाली थी जिसमें साफ लिखा था स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा, पहले वहां राजू दास को वहां से हटाओ तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। सुन लिया आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से बताया कि मेरे प्रोग्राम में जाने से पहले तथा कथित साधु राजू दास ने ट्वीट करने शुरू कर दिए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राजू दास को प्रोग्राम से हटाओ जब मैं प्रोग्राम में शामिल होऊंगा। यानी मीडिया भी इस बात को जानता था कि राजू दास ने चैलेंज कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने को लेकर राजू दास ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, तो मीडिया ने भी इस मौके को छोड़ा नहीं है, वो भी वीडियो बनाकर वायरल करके अपने प्रोग्राम को हिट कर रहे थे। अब इस पूरे मामले को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार की, जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश बताया है, कहा है कि वो मेरी हत्या करवाना चाहती हैं। सुन लीजिए अब उनको। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार का इनको संरक्षण नहीं मिला है, तो सरकार इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई नहीं किया है तो इसका मतलब है मेरी हत्या की साजिश में भाजपा सरकार शामिल है। आपके चैनल की मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखेंगे, मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अंतिम सांस तक मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा। धर्म की आड़ पर इनको नीच अधम अपमानित और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मेरी ये मोर्चेबंदी चलती रहेगी। तो आपने इन तमाम तस्वीरों के जरिए समझ लिया होगा कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। सब कुछ पहले से प्लांट था और सब कुछ पहले से षड्यंत्र के तहत रचा बसा गया था, बाद में चीजें आपके सामने आई हैं और अब किस चीजों को किस तरीके से पेश किया जा रहा है ये भी आपने देख लिया होगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाजत।